نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

अगर आपने बे आपके बेटे ने आपको फ्री हैंड दिया है कि आप उसके लिए लड़की ढूंढें तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा जिनमें सबसे पहली बात यह है कि बेटे से तफसील से बात करें कि उसे किस किस्म की बीवी चाहिए क्योंकि जिंदगी उसने गुजारनी है उसकी भी कुछ तरजीहत होंगी नंबर दो बेटे की पसंद को तरजीह दें अपनी जरूरियात को नहीं नंबर तीन लड़की वालों के यहाँ जाने से पहले मुकम्मल मालूम हासिल करें कि आया लड़की और खानदान आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है नंबर चार जब लड़की देखने जाए तो खुद को लड़की वालों की जगह तस्वुर करें नंबर पांच अगर रिश्ता नहीं भी करना तो इंतहाई महजब तरीके से जवाब दें अब इन तमाम पॉइंट्स को जरा तफसील से देख लेते हैं नंबर एक पहले पॉइंट की तरफ आते हैं अगर आपके बेटे ने आपको ये इज्जत दी है क्या आप उसके लिए लड़की ढूंढें तो उससे हर मौजू पर तफसील से बात करें ऐसा ना हो कि आप अपनी पसंद की लड़कियां ढूंढना शुरू कर दें और वो तंग आकर कहे अम्मा जान आप रहने दें मैं खुद ही देख लूंगा और ऐसा होता है मैंने देखा है कि माए अपनी पसंद की लड़कियां ढूंढती रहती हैं बच्चों से तफसील से बात नहीं करती हैं और फिर लड़के कहते हैं आपको लड़की ढूंढने का पता नहीं है मुझे कैसी लड़की चाहिए चले मैं खुद ही देख लूंगा लड़की का लिबास तालीम जॉब करने वाली हो या घरेलू हो रंग कैसा हो कद सब कुछ डिस्कस करें और इसमें कुछ भी गैर शर्ी बात नहीं है शरीयत कहती है शादी चार चीजों की बुनियाद पर करें सूरत, दीन व नसब माल और इनमें दीन को तरजीह दें अगर बच्चे की डिमांड गैर माकूल भी हो तो आराम से प्यार से समझाएं और फिर भी ना समझे तो जिद ना लगाएं दुआ करें अल्लाह से मदद मांगें लेकिन ये ना करें कि हम नहीं हम हरगिज नहीं करेंगे शादी आजकल के फितनों के दौर में लड़कों का गैर शादीशुदा रहने से बेहतर है थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लेना और नरमी और हिकमत के साथ बच्चों को सही दीन और शर्यत की तरगीब दिलाना अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि बच्चों की पसंद, बच्चे की पसंद को तरजीह दें अपनी ज़रूरियात को नहीं यहाँ मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है कि जब मेरी अम्मी मेरे भाइयों के लिए रिश्ते ढूंढ रही थी तो कहती थी कि मैंने खूबसूरत बहुएं लानी हैं तो अम्मी को कुछ फ्रेंड्स थी उन्होंने अम्मी को एक दिन मशवरा दिया कि ऐसा ना करना खूबसूरत बीवी हो तो बेटे उन्हीं के होके रह जाते हैं इसलिए पूरी सी शक्लो सूरत की लड़कियां लाओ और उन फ्रेंड्स ने इस पे खुद अमल भी किया था तो फिर यही तो फिर यही बच बज... यही लड़के होते हैं जिनके जिनको घरों में सुकून नहीं मिलता घरों में पसंद की बीवी नहीं होती है तो फिर यही बच्चे घरों से बाहर सुकून तलाश करते हैं जिनकी माए बहु ढूंढते वक्त देखती हैं कि कपड़े धोने खाना पकाने और हमारी खिदमत खिदमत करने वाली हो बुढ़ापे में मंजिल पे बिठा के खिलाए अल्लाह से अपने लिए मंजी नहीं सेहत मांगे आफियत मांगे मोहताजी से पनाह मांगे और बेटे के लिए ऐसी बीवी लाएं कि वो घर के अलावा कहीं और तांक झांक के बिना देखें अगर नियत कर लें कि अपने बच्चों की निगाहों की हिफाजत के लिए उनकी पसंद की बीवियां लानी हैं अपनी नौकरानियां और केयर गिवर नहीं तो अल्लाह सुबहान व तआला अजर भी अता फरमाएंगे इन श्ला तीसरा पॉइंट था कि लड़की वालों के यहाँ जाने से पहले मुकम्मल मालूम हासिल करें कि आया जहाँ आप जा रही हैं वो लड़की वो ख़ानदान आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है भी या नहीं आप चाय समोसे खाने के लिए हर जगह नहीं जाए ये अमूमन मैंने देखा है कि लोग कहीं भी कोई कोई बताएगा कि वहाँ रिश्ता है तो चल पड़ते हैं कि चलो जाके देख आते हैं पसंद आ गया तो ठीक है नहीं तो ना सही हर घर में जाके झांकना और रिजेक्ट करना इंतहाई नापसंदीदा है मैं एक साहिबा को पर्सनली जानती हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि मैं जाती थी फलां जगह पे मैं जाती थी और अपने बेटे के लिए वो रिश्ता देख रही थी कि मैं एक दिन में चार चार घरों में जाती थी तकफ़िरल्ला तो इससे बेहतर नहीं था कि आप पहले पूरी मालूम लें और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो आप वहाँ पे जाएं ये कोई खेल तमाशा तो नहीं है ना कि आप ये कोई मार्केट थोड़ी है कि आप किस दुकान में भी जा रहे हैं उस दुकान में भी जा रहे हैं आप पसंद की चीज़ ढूंढ रहे हैं फोर्थ पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि आप लड़की वालों की जगह खुद को तस्वर करें कि आपके यहाँ इसी तरह रोज़ रोज़ कोई आए और रिजेक्ट करके चला जाए तो आपके और ख़ास तौर पर बच्ची के दिल पर क्या बीतेगी बहुत हम्बल होकर जाए और जैसा कि बाज लोग करते हैं बाज लोगों को मैंने सुना है कि वो बच्ची से कहते हैं हमें चल के दिखाओ इधर से उधर इधर से उधर चला के देखते हैं कितनी तोहिन वाली बात है कि आप हमें वो बच्ची आपके पास चल के आई है अगर खुदा ना खास्ता वो लंगड़ी लू होती तो आपको पता चल ही जाता ना इतना ज्यादा लड़के की माँ होने का इतना ज़्यादा गरूर होना और इस तरह से दूसरों की तोहन करना खुदा से डरना चाहिए कि आप भी जो लड़कियों वाले हैं चले जिनकी लड़कियाँ नहीं हैं उनको तो शायद इस चीज़ का एहसास ना हो लेकिन खुद जिनके घरों में लड़कियाँ होती हैं वो माएँ भी इस तरह के काम करती हैं आप सोचें कि आपकी भी बेटियां हैं आपके यहाँ अगर रिश्ते आए और वो इस तरह से करें तो आपके दिल पे फिर क्या बीतेगी और वो बच्चियां भी साथ होती हैं माओ से ज्यादा वो बच्चियां होती हैं जिनको ज्यादा शौक होता है जगह जगह जाके और अपने भाइयों के लिए रिश्ते तलाश करने का और जब आप कहीं रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो खाली हाथ ना जाए दूसरे भी, उन्होंने भी, भी तो आपकी खातन वदारात करनी है ना तो कोई ना कोई तोहफा वैसे भी तोहफा देना जो है ये सुन्नत है अगर आप सुन्नत की नीयत करते हैं तो अल्लाह सुबहान वाले आपको अजर भी अता फ़रमाएंगे जब भी कहीं जाएँ तो कोई ना कोई तोहफा साथ लेकर जाए खाली हाथ कभी भी ना जाए मुझे याद है और मैं पर्सनली जानती हूँ बहुत अच्छा मेरा ताल्लुक़ है उनके साथ वो ए, अपने बेटे के लिए एक जगह रिश्ता देखने गई थी और वो रिश्ता उन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया था कि उनके घर में जो कॉफी टेबल थी उसके ऊपर डस्ट थी तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को हमारी अहमियत का एहसास ही नहीं है इन्होंने टेबल को अच्छी तर... तरीके से साफ़ नहीं किया था अल्लाह अकबर इतना गुरूर अल्लाह को पसंद नहीं है अगर टेबल पे डस्ट थी भी थोड़ी सी तो क्या फ़र्क पड़ जाता है इसे अगर लड़की अच्छी है घर अच्छा है तो सिर्फ ये सोचना कि उनकी टेबल पे डस्ट थी और आप रिश्ता रिष्त, रिजेक्ट करके आ जाएं और आखिरी बात ये कि अक्सर लोग रिश्ता देखकर आते हैं और उसके बाद खामोश हो जाते अगर रिश्ता नहीं पसंद है तो खामोश होके बैठ जाते हैं और लड़की वाले बेचारे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि अभी हमें जवाब देंगे हो सकता है उनको पसंद क्योंकि वहाँ पर अमूमा जब लोग रिश्ता देखने जाते हैं तो कोई भी ये नहीं कहता है कि हम रिश्ता नहीं करेंगे वहाँ पे तो चिकनी चुपड़ी बातें करके आ जाते हैं कि हाँ जी अच्छा है बहुत अच्छी बात है आप हमें बहुत अच्छे लगे लड़की बहुत अच्छी है लेकिन घर आके जब एक दूसरे से मशवरा करते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनको कॉल करें आप या किसी के हाथ पैगाम भेजें कि भाई नसीब में नहीं लिखा था अल्लाह ताला आपकी बेटी का नसीब अच्छा करे उस, उसे अच्छा साले शरीक हयात अता फरमाए तो ये हमारे बच्चों के नसीब में नहीं था इस तरह से अच्छे तरीके से बात को ख़त्म करें यह खामोश बैठ जाना और दूसरे इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके आप, आप क्या करेंगे आपको रिश्ता पसंद आया है या पसंद नहीं आया है ये कोई अच्छे अखलाक की निशानी नहीं है और एक चीज़ आखिर में जो सबसे अहम चीज़ कि अमूमन जब ख़ास तौर से दीनदार फैमिलीज में जब कोई वालदा अपने बच्चे का रिश्ता देखने लगती है और लड़की की शक्लो सूरत के बारे में बात करें तो इस बात को बहुत बुरा माना जाता है और इस बात का मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा भी है और कहा जाता है कि दीनदार भी हैं कुरान की बात भी करती हैं और उसके बाद लड़की की शक्लो सूरत की भी बात करती हैं ये किस तरह का दीन है लोग ये उम्मीद करते हैं कि लड़की को देखे बगैर सिर्फ ये हम बताएं कि लड़की नमाज पढ़ती है या लड़की हाफज कुरान है तो बस रिश्ता कर लें इतना काफ़ी होता है किसी दीनदार फैमिली के लिए इतना काफ़ी है कि लड़के की माँ को हम ये बताएं और वो रिश्ता कर लें ऐसा नहीं होता है अगर लड़के की डिमांड है कि उसको एक खुश शक्ल लड़की चाहिए तो खुश शक्ल लड़की देखने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है इस्लाम में कहीं नहीं कहा गया है कि आप दीनदार हैं तो आंख बंद करके अपने बच्चों के रिश्ते करें आपके बेटे को अच्छी शक्ल की लड़की पसंद है तो ये उसका हक है आप ज़रूर तलाश करें लोगों की बातों पर बिल्कुल ना जाए अल्लाह हम सब के बच्चों को अच्छे दीनदार सुख और सुकून और खुशियाँ देने वाले शरीक हयात नसीब फरमाए سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته